इस चैनल पे आपको बोर्ड से संबंधित सब कुछ मिलेगा, क्लास 12 के इम्पॉर्टेंट नोट्स, स्टडी मटेरियल्स, इम्पॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स और स्टडी नोट्स, हैंड नोट्स, सब कुछ, इसकी मदद से आप इस बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ यार यहाँ पे लाल बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करो और उस बेल नोटिफिकेशन को दबाओ, जिसकी मदद से आपको मेरी आने वाली सभी फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको फिजिक्स का प्रकाश का व्यतिकरण चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी और जो न्यूमेरिकल हमारा होगा वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर डेली अपलोड होती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 17 चैप्टर है प्रकाश का व्यतिकरण फिजिक्स का क्लास 12, इसका सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी जो बोर्ड एग्जाम 2019 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो पहला प्रश्न है, व्यतिकरण की घटना का क्या कारण होता है? आपको बताना है कि व्यतिकरण की घटना किस कारण से होती है। तो आप सभी को पता होगा व्यतिकरण की घटना कलांतर के द्वारा, कलांतर के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा कलांतर, क्योंकि व्यतिकरण में दो कला संबंध तरंगे जब अध्यारोपित होती हैं तो कलांतर के कारण न्यूनतम तथा महत्तम प्रभाव परिणामी तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। तो यही कारण होता है, व्यतिकरण की घटना कारण कलांतर होते हैं। समझ में आ गया? फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश के व्यतिकरण का एक प्राकृतिक तथा प्रायोगिक उदाहरण दीजिए। आपको प्रकाश के व्यतिकरण का एक प्राकृतिक तथा प्रायोगिक उदाहरण देना है। तो प्राकृतिक उदाहरण क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। पहले दो उदाहरण पूछा प्राकृतिक, तो प्राकृतिक उदाहरण हो जाएगा तेल की परत का रंगीन दिखाई देना, तेल की परत का रंगीन दिखाई देना, ये हम लोग का हो जाएगा प्राकृतिक उदाहरण प्रकाश के व्यतिकरण का। और हम लोग का हो जाएगा प्रायोगिक उदाहरण, ये क्वेश्चन पूछा गया 3 बार बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से देखिए। प्रायोगिक उदाहरण यंग का व्यतिकरण प्रयोग, यंग का व्यतिकरण प्रयोग हम लोग का प्रायोगिक हो जाएगा प्रयोग। प्रकाश के व्यतिकरण का एक प्राकृतिक तथा प्रायोगिक उदाहरण, तो प्राकृतिक उदाहरण तेल की परत का रंगीन दिखाई देना, प्रायोगिक उदाहरण यंग का व्यतिकरण प्रयोग। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अध्यारोपण के प्रभाव लिखिए। आपको बताना है कि अध्यारोपण कितने प्रकार होते हैं। अध्यारोपण के तीन प्रभाव होते हैं। सबसे पहला होता है व्यतिकरण, फिर हम लोग का दूसरा होता है विस्पंद, तीसरा होता है अपग्रामी तरंगे, अपगामी तरंगे। तो अध्यारोपण के प्रभाव के आधार पर तीन प्रभाव, व्यतिकरण, विस्पंद और अपग्रामी तरंगे, ये तीन हो गया। ये हो गया इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी। अब आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। तो पहला प्रश्न है, तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत से क्या अभिप्राय है आपको समझाना है। तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत से क्या अभिप्राय समझाना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, सभी प्रश्न का आंसर नीचे पीडीएफ में दिया गया है। जैसे ही वीडियो खत्म होगा आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक समान प्रकार की तरंगे किसी माध्यम से एक साथ संरचित होती है, तब माध्यम के किसी कण का परिणामी विस्थापन, जो हमारा वाई होता है, परिणामी विस्थापन वाई तरंगों के द्वारा इस कण पर उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के तुल होता है। तो इसे हम अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं, इसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसको मैंने अच्छे से पीडीएफ में समझाया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्यतिकरण से क्या तात्पर्य? आपको बताना है कि व्यतिकरण क्या होता है। तो कोई दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो जब किसी माध्यम से एक साथ संचरित होती है, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों को अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम और कुछ स्थानों पर तीव्रता लगभग शून्य होती है, न्यूनतम लगभग शून्य होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। तो उसे हम प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो प्रकाश का व्यतिकरण समझ में आ गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम 7 बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में चैप्टर से, प्रकाश के व्यतिकरण से, व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, साबुन के घोल में रंगहीन साबुन के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं। आपको बताना, रंगहीन साबुन के घोल में रंगहीन साबुन के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं, आपको कारण इसका बताना है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न से एक गारंटी आएगा 5 मार्क्स का, वो कौन सा प्रश्न है, यंग के 2 स्लिटों के प्रयोग में
दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक w इज इक्वल टू डी लेमडा अपॉन डी प्राप्त कीजिए, जहां प्रयुक्त संकेतों के अर्थ समान है। यंग स्लिट का फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए इसमें गारंटी है, इस क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2019 में एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में। तो यह क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर ले, इसका आंसर मैंने आपको नीचे पीडीएफ में दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो यह क्वेश्चन एकदम अच्छे से तैयार कर ले, इसका आंसर मैंने पीडीएफ में दे दिया है। तो ये दीर्घ उत्तरी एक ही प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2019 के बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब बढ़ते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न जो आता है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर से प्रकाश के व्यतिकरण से किस तरीके के आंकिक प्रश्न आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, यह क्वेश्चन 2017, 18 और 15 में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न यही है, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता का अनुपात 81:49 है, उनके आयामों का क्या अनुपात होगा? आपको निकालना है आयामों का क्या अनुपात होगा, आपको आयामों का क्या अनुपात होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें जो दिया रहता है सबसे पहले वो लिख ले, सॉल्यूशन लिख के दिया क्या है हमारा, दिया है आई मैक्सिमम और आई मिनिमम। तो हम लोग लिखेंगे आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, आई मैक्सिमम की वैल्यू हमारी है 81 और आई मिनिमम की 49। तो हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, A1+A2 अपॉन A1-A2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। तो हम इसी वैल्यू पर रखेंगे इसको, ध्यान से देखते चलिए इसी वैल्यू पर इसको रखेंगे। तो A1+A2 स्क्वायर हम लोग इधर कर देंगे, A1+A2 अपॉन A1-A2, जब हम इधर स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 81 अपॉन 49 हो जाएगा। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा A1+A2 अपॉन A1-A2। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 9 9 81 होता है, तो ये 9 हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ध्यान से देखते चलिए। तो ये हो जाएगा हमारा 9.7। तो ये इसका मल्टीप्लाई 7 का करेंगे, प्लस 7 इसका इससे, इसका इससे, 7A1+7A2 इज इक्वल टू 9A1-9A2। समझ में आ गया, पहले देख लीजिए इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसका, तो 7 से करेंगे तो 7A1+7A2 इक्वल टू 9A1-9A2। अब नेक्स्ट लाइन क्या करेंगे हम लोग, 7A2+9A2 इक्वल टू 9A1-7A1, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 7A1। इतना वैल्यू समझ में आ गया, 7A2 को A2 किधर करेंगे, A1 किधर, 7A2 और इसको प्लस 9A2 और फिर इक्वल टू 9A1, अब इसको इधर लाएंगे तो -7A1 हो जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे स्टेप में देखिए ध्यान से, इतना समझ में आ गया। तो ये 7 9 हो जाएगा हमारा 16 16A2, 7 9 16 हो जाएगा, 16A2 इक्वल टू 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया, 2 हो जाएगा, तो 2A1, इतना समझ में आ गया। फिर हम लोग करेंगे A1 अपॉन A2, तो 16 अपॉन 2 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 8 अपॉन 1। ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले देखिए ध्यान से देखिए, लंबा है थोड़ा लेकिन सरल है अगर समझ गए तो। दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता का अनुपात 81:49 है, उनके आयामों का क्या अनुपात होगा? दिया है हमारा आई मैक्सिमम 81, आई मिनिमम 49। इसको फॉर्मूला पुट करेंगे A1+A2 का अपॉन A1-A2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। फिर इसको हम इसकी वैल्यू पे पुट करेंगे A1+A2, A1-A2 को इधर करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो 81 अपॉन 49। फिर हम जब इसको निकालेंगे रूट से तो 81 का 9 9 81 तो 9 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा, इतना समझ में आया। फिर हम लोग इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो इसका 7A1 हो जाएगा और 7A2, फिर इसका करेंगे 9A1-9A2, यहां तक समझ में आ गया। फिर आप क्या करेंगे, A2 वालों को इधर करेंगे, 7A2 और 9A2 इधर आ जाएगा प्लस, तो 9A1 इसको इधर करेंगे तो माइनस जाएगा -7A1। तो हम लोग A2 वालों को इधर करेंगे, 9 7 16 हो जाएगा, 16A2 इज इक्वल टू 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया, 2 आ गया, 2A1। फिर A1 अपॉन A2 करेंगे तो 16 अपॉन 2 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा वैल्यू 8 अपॉन 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस न्यूमेरिकल का, आयामों का क्या अनुपात होगा, तो 8 अपॉन 1
इसका आयामों का अनुपात एट रेशियो वन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा और प्रकाश के व्यतिकरण का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पता चल गया होगा। आपको जितने भी प्रश्न का आंसर चाहिए नीचे पीडीएफ में दिया, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं, आप नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।